हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं ऑलटेक यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। बिकॉज दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर वापस आने वाला है, यानी कि क्या पबजी मोबाइल अनबैन हो जाएगा और क्या आप वापस से प्ले कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, बिल्कुल 100% जेन्युइन रियल फैक्ट के साथ। मैं ऐसे ही कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट्स आता है मैं कोशिश करता हूँ आपको सबसे पहले बताऊँ। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो ऑफिशियल अपडेट्स। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो कीजिएगा एक लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों जल्दी से जाके हमारे ऑलटेक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। सो दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि पबजी मोबाइल को सिक्योरिटी रीज़न के चलते बैन कर दिया था, और जो सारे के सारे प्लेयर्स थे वो जानना चाहते थे कि पबजी मोबाइल का इस बारे में क्या कहना है। लेकिन आप लोग जानते हैं अभी तक पबजी मोबाइल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आया था। लेकिन दोस्तों 7 सितंबर को पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला है। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे और उस स्टेटमेंट में आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। आइए चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, उस स्टेटमेंट में सबसे पहले तो पबजी कॉर्पोरेशन ने आप सभी का धन्यवाद किया है कि पबजी मोबाइल बैन के बाद भी आप लोगों ने पबजी मोबाइल को कितना ज़्यादा सपोर्ट किया, और जितने भी पबजी मोबाइल के प्लेयर्स निराश है पबजी बैन के बाद में उन सभी का ध्यान रखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पबजी कॉर्पोरेशन ने ये भी बताया कि उनका क्या सोचना है जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया है उसके बारे में। पबजी कॉर्पोरेशन का ये कहना है दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो बैन लगाया है वो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के चलते वो उसका फुल सपोर्ट करते हैं। यानी कि पबजी कॉर्पोरेशन ये चाहता है कि वो इंडिया गवर्नमेंट के सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करे, इंडिया के जितने भी लॉस एंड रेगुलेशंस हैं उन सभी के वो आगे जाके आप लोगों के लिए पबजी मोबाइल लाने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, पबजी कॉर्पोरेशन चाहता है दोस्तों कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को फॉलो करे और उनके साथ में हैंड टू हैंड वर्क करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, पबजी कॉर्पोरेशन ने जितने भी शेयर्स और पार्टनरशिप थी टेंशन के साथ में उन सभी को ड्रॉप कर दिया है। यानी कि दोस्तों, बैन लगने से पहले जितने भी पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जो राइट्स थी वो थी दोस्तों टेंशन के पास। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, अब इंडिया के अंदर जो भी पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जो राइट्स है वो वापस आ चुके हैं पबजी कॉर्पोरेशन के पास। और दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, पबजी कॉर्पोरेशन ही ओनर है पबजी मोबाइल और पबजी पीसी का, और ये एक साउथ कोरिया की कंपनी है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ तक वीडियो देखने से आप लोगों को एक बात पता चल गई होगी कि पबजी मोबाइल चाइनीज़ कंपनी टेंशन के साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं रखेगा और पबजी कॉर्पोरेशन ही रूल करने वाला है दोस्तों इंडिया के अंदर पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स का। और इसी के चलते पबजी मोबाइल का एक प्लान है कि इंडिया के अंदर एक नए अपडेट्स या फिर बिल्कुल नया वर्जन इंडिया के अंदर लॉन्च करेगा, जो कि दोस्तों फॉलो करेगा, कंप्लाई करेगा इंडिया गवर्नमेंट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सो यहाँ बैन होने का कोई चांस ही नहीं है, रह जाता है, और वो आसानी से इंडिया के अंदर रन कर पाएगा। अब आप लोग ये मत पूछने लग जाना कि पबजी वापस इंडिया के अंदर कब अनबैन हो जाएगा और कब आप लोग पबजी का इंडिया वर्जन देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये इतना ज़्यादा सिंपल प्रोसेस नहीं है। हालांकि पबजी कॉर्पोरेशन ने टेंशन से शेयर हटा लिए है, लेकिन अभी भी डेवलपिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा और बहुत जल्द पबजी मोबाइल वापस से इंडिया के अंदर दौड़ता हुआ मिल जाएगा। और जितने भी लोग परेशान थे, हम पबजी को नहीं खेल पा रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिनों की बात है और उसके बाद में पबजी मोबाइल आप लोगों को फिर से प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है दोस्तों इस बार इंडिया वर्जन के साथ में देखने को मिले, यानी कि इंडिया के लिए ही बनाया गया अलग से पबजी मोबाइल वर्जन। सो दोस्तों, ये थी वो न्यूज़ पबजी मोबाइल के रिगार्डिंग जो मुझे आप लोगों तक पहुँचानी थी, और ये न्यूज़ मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये एक ऑफिशियल अपडेट्स है दोस्तों, जो कि पबजी मोबाइल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। पबजी कॉर्पोरेशन ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया है इंडियन प्लेयर्स को, और उन्होंने सारे के सारे अपडेट्स हमारे सामने रखे हैं। और पबजी मोबाइल का ये भी कहना है दोस्तों कि इंडिया के अंदर भी ज़्यादा ई स्पोर्ट्स इवेंट्स टूर्नामेंट एक्टिविटीज़ कराने वाले हैं। सो आई होप ये जानने के बाद आप लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक लाइक ना किया हो तो दोस्तों जल्दी से जाकर
कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोगों से एक और नए ऑफिशियल अपडेट्स के साथ में। अगर पबजी के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल लीक या अपडेट आएगा, जब तक वो ऑफिशियल ना हो तब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा। सो अगर आप लोग सही इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट्स आता है मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। और भी गेम्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ स्टे ट्यून रहिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग ऑल टेक, गुड बाय।